बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज मोहम्मद हमाद और आप देख रहे हैं GFX लीडर। तो आज हम आपके लिए कोरल ड्रा के अंदर कोरल ड्रा, तो चले चलते हैं अपने कोरल ड्रा के अंदर और आज की तमाम शॉर्टकट की आपको बताते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्द जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर न्यू अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। एक रिक्वेस्ट और थी व्यूअर से, अभी तक जिन लोगों ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा वो सारे दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो चले चलते हैं अपने कोरल ड्रा के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कोरल ड्रा की, कहते हैं ऑल शॉर्टकट कीज ऑफ कोरल ड्रा पार्ट टू। ये मैं आपको कहते हैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे देंगे आपको, आप वहाँ से जाके भी हमारा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं हमने वहाँ पे किस तरह कोरल ड्रा के अंदर ही कोरल ड्रा के तमाम शॉर्टकट कीज ऑन वन क्लिक आपको बताई थी। तो आज सेकंड पार्ट है, इसकी आपको डिटेल दिखा देते हैं। आज हम आपके लिए शॉर्टकट कीज लेके आए हैं जिनकी डिटेल है मैं आज को बताऊँगा आज आपको। की कहते हैं शॉर्टकट की है Ctrl F9। इसकी ये भी अलाइनमेंट के टूल हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये है, तो कोई भी कलर दे देते हैं, इसको भी कोई भी कलर दे देते हैं। कहते हैं कलर ब्लेंड्स हैं इसके अंदर, कलर आपने कौन कौन से डाल देना। तो अगला ऑप्शन है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, सो कैंसिल, इसको कर देते हैं डिलीट। तो अगला हमारा है पोजिशन की शॉर्टकट की है Ctrl F7। आपको इसके थोड़ी बहुत डिटेल भी बता देते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, आप इसकी पोजीशन अपनी मर्जी के मुताबिक यानी पॉइंट टू पॉइंट आप पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। अब इस तरह हम 1, 2, 3, 6 और यानी 9 बॉक्स, आप हर बॉक्स की अलग अलग पोजीशन आप, अब मैं कहते हैं जो कलरफुल होगी, अब ये टॉप से पोजीशन इसकी तब्दील होगी। अगर मैं यहाँ से करता हूँ राइट साइड यानी लेफ्ट साइड के, यानी जो सबसे एंड वाला पोर्शन है यानी पॉइंट है नोट, वहाँ से अब इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो ये था पोजीशन के लिए, इसको हम रोटेट भी करवा सकते हैं यानी ट्रांसफार्म, इसके अंदर बहुत सारे यानी मिरर आ गया, स्केल एंड मिरर आ गया, साइज आ गया, स्केच आ गया और यानी बहुत सारे प्लेन्स आ गए, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब अगले की हमारे पास क्या कहते हैं रोटेट की हम कहते हैं शॉर्टकट की आपको, इसकी है Alt F9। Alt F9 हम प्लस कहते हैं प्रेस करेंगे तो वही ट्रांसफार्म आ जाएगा, तो वही ट्रांसफार्म आ रहा है। देखिए ट्रांसफार्म के अंदर ही रोटेट है, ये रोटेट आ गया, देखिए रोटेट भी इसी के अंदर है और पोजीशन भी आप इसी में से चेंज कर सकते हैं, यानी Alt F7 और Alt F9 का दोनों काम बेसिकली एक ही है। आगे आता है इनवेलप, Ctrl F7 की कहते हैं Ctrl F7 इसी शॉर्टकट के इनवेलप आ जाएंगे इसके अंदर, बहुत सारे इसके अंदर कहते हैं शेप्स बनी हुई हैं, सेलेक्ट इसको हम देखें अपनी मर्जी के मुताबिक, सर्कल या सर्कल को या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको हम चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अब ये सिलेक्ट करके इसको हम इसमें ले आते हैं, जो भी शेप आप सिलेक्ट करोगे उसके मुताबिक आप इनके अब इसको हम यानी हार्ट दिल के अंदर ले आते हैं, यानी ये दिल बन गया, तो इसको हम कर देते हैं कैंडल। तो अगले की हमारे पास लेंस की कहते हैं शॉर्टकट की है Alt F3। Alt F3 प्रेस करेंगे तो लेंस आ जाएंगे, सिलेक्ट करते हैं इनको, तो ब्राइट करना है इसको, फिर ब्राइटनेस, फिश लाइट कलर, इसके अंदर बहुत सारे लेंजेज हैं आप देख लें, इसके अंदर बहुत सारे लेंजेज हैं। तो अगले शॉर्टकट की हमारे पास ग्राफिक्स एंड टेक्सटाइल, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl F5। Ctrl F5 दबाएंगे तो ग्राफिक्स के मुतालिक और टेक्सटाइल के मुतालिक आ जाएंगी, देखें मीडियम लाइन, थिक लाइन, जो भी आपने उसको मिरर कहते हैं सेंटर में रखना है, कौन सा कॉर्नर मोटा रखना है, कौन सा पतला रखना है, किस कॉर्नर को आपने कहते हैं नोकदार बनाना है, किसको और समूथदार बनाना है, आपने पोजीशन भी इसके अंदर है इस शॉर्टकट के अंदर। तो अगले शॉर्टकट की है हमारे पास साइज की कहते हैं शॉर्टकट की है, पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं Ctrl F10 इसकी शॉर्टकट की है, तो वो देखें Ctrl F10, Ctrl F7 और Alt F9 और Alt F10, इन सारों का काम बेसिकली एक ही है, ये ट्रांसफार्म के अंदर जाके खुलेगा। तो यहाँ पे साइज भी अपनी मर्जी मुताबिक यानी एक्यूरेटली आप साइज में यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो अगला हमारे पास है स्केल एंड मिरर,
स्केलर मिरर भी देखें आपको मैंने दिखाया था उसके अंदर। तो अब Alt F9 प्रेस करेंगे तो वही ट्रांसफार्मर जाएगा और यहाँ पे आप ये देखें मिरर साइज और मिरर आ गया। तो यहाँ पे साइज और मिरर की शॉर्टकट की F9 है तो इनको कर देते हैं बेसिकली हम डिलीट। तो डिलीट करने के बाद अगली हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं फ़ॉन्ट के मुतालिक। फ़ॉन्ट को आपको बता देते हैं फ़ॉन्ट साइज हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी लिख देते हैं जैसे हम लिखते हैं भाई EFX लीडर जो कि मेरे चैनल का नाम है। इसको हम कोई भी फिलहाल यानी आप यहाँ पे जो मर्जी नाम लिख सकते हैं यानी अब हमने इसका कहते हैं फ़ोन का साइज हमें रखना है शॉर्टकट की मदद से कंट्रोल शिफ्ट पी। अगर हम देखो बोल्ड करना है बेसिकली तो कंट्रोल बी दबा देंगे हम। तो अगली हमारी है आउटलाइन के यानी आउटलाइन पेन पेन की आउटलाइन के मुतालिक हमने अगर डायलॉग बॉक्स निकालना है तो आउटलाइन कलर डायलॉग तो शिफ्ट F12 प्रेस करेंगे तो यानी अभी कुछ सिलेक्ट नहीं थी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं सर्कल, सर्कल का कोई भी फिलहाल कलर दे देते हैं, सर्कल तो बना नहीं है तो ओवल बन गया। तो शिफ्ट F12 प्रेस करेंगे बेसिकली ये आ गया आउटलाइन के मुतालिक आ गया पहले की आउटलाइन हमने किस तरह रखनी है कौन से कलर की रखनी है इसको फिर आप ओके करेंगे तो ये आउटलाइन इसकी बन जाएगी इसकी। अब इसको हम दे देते हैं लाइट कलर। आप इसको यानी देखा मैंने ये फुल ब्लैक नहीं कलर आपको दिखा देते हैं दोबारा शिफ्ट F12 प्रेस करके इसकी लाल रखनी है देखें आउटलाइन लाल हो गई है इसकी। तो अगला हमारे पास एट द लास्ट हमारे पास है आउटलाइन पेन डायलॉग। इसकी हमने पेन किया आउटलाइन पेन डायलॉग तो इसकी बेसिकली आपने खाली प्रेस करना है F12 आगे आपके पास आपने कलर कौन सा रखना है आउटलाइन का नीला रखना है इसका हम रख लेते हैं नीला। और आउटलाइन कितनी करनी है कौन सी रखनी है डॉटेड रखनी है साइज कितना रखना है ये कितने फासले पर रखनी है तो ओके कर देते हैं। ये देखें अब मैं ये टेक्स्ट को अपने इसमें रख दे देता हूँ और कंट्रोल पेज आप कर देता हूँ दोनों को सिलेक्ट करके ई और सी प्रेस कर देते हैं। तो शीट प्रेस करते हुए अब इनको बड़ा करते हैं देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपको इसका आपको उन सारी शॉर्टकट की इसका ओवरव्यू दिखा देते हैं। आपने F2 प्रेस करना है ये जूम का ऑप्शन आ जाएगा और आपने इसको इतना जूम करना है आप इसको जूम कर लें और आपने F9 खाली प्रेस करके पूरी स्क्रीन पे लिया। तो ये थी आज की कोरोड्रा की मजीद शॉर्टकट की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। ताज दाय खत्म नबूवत जिंदाबाद।